ओप्पो रेनो 12 प्रो। तो गाइस आप भी स्मार्टफोन को जो काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हो और आपको फिलहाल प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोन हैंग वगैरह हो रहा है या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप ठीक करना चाहते हो लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ ओप्पो रेनो 12 प्रो को आप फैक्ट्री रिसेट कैसे कर सकते हो या तो रिसेट ऑल सेटिंग्स कैसे कर सकते हो, यानी कि आपको प्रॉपर फ़ोन जो फॉर्मेट करना है, फ्री डेटा रिस्टोर करना है, वो सब कुछ मैं आपके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुंचा दे रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे वेट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास ओप्पो रेनो 12 प्रो, और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं यहां पे आपको बता दूं कि ये जो लॉक स्क्रीन वाला पासवर्ड है वो आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ये आगे काम आ सकता है। और आपने गूगल अकाउंट बनाया तो पहले वो आपको रिमूव कर लेना है। तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितना भी आपका डेटा यानी कि गैलरी में जो भी फोटोज़ वीडियोस वगैरह है वो किसी दूसरे फ़ोन में आपको कॉपी कर लेना है, या तो लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना सारा बैकअप जो बना लेना है। लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, दूसरा फ़ोन भी नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंपली गूगल ड्राइव पे भी अपना बैकअप सेफली सेव कर सकते हो। और गाइज़ आपको फिर चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम एंड अपडेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो बैकअप एंड रिसेट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो रिसेट फोन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे तीन और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिसेट ऑल सेटिंग्स, आपको फ़ोन के सिर्फ सेटिंग्स रिसेट करने, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, सारे फ़ोन के सेटिंग्स रिसेट हो जाएगा, आपका डेटा वगैरह बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग, आपको नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो यहाँ पे आप इसको भी रिसेट कर सकते हो। इट इज़ SMS एंड MMS मैसेज स्टोरेड एंड दिस फोन, यानी कि इसको भी आप रिसेट करना चाहो तो कर सकते हो। और हमें पूरा फ़ोन जो फॉर्मेट करना है तो इरेज ऑल डेटा पे आपको क्लिक करना है। और जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में बताया लॉक स्क्रीन वाला पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, वही पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे इरेज डेटा पे आपको टैप करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो परमानेंटली क्लियर ऑल डेटा, यानी कि आपका डेटा जो पूरे तरीके से फॉर्मेट होने जा रहा है, फिर चाह के भी कोई भी हैकर भी इस डेटा को वापस नहीं ला सकता। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर पे टैप करना है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ओप्पो की ब्रांडिंग आ जाती है और हमारा फ़ोन जो पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे ये स्टार्ट होता है तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे सेटअप करना है। यहाँ पे वाइब्रेट होता है फ़ोन और यहाँ पे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेट डेटा, यानी कि जितना डेटा ज़्यादा होगा उतना फॉर्मेटिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन ओप्पो की ब्रांडिंग आ चुकी है, और यहाँ पे कलर OS भी लिखा हुआ आता है कुछ इस तरीके से। तो गाइस इस वीडियो को आप ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं फ़ोन को सेटअप करने जा रहा हूँ, और फ़ोन को स्टार्ट करने के लिए सेटअप बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आपको ब्लू एरो दिखाई देता है, यहाँ पे आपको टैप करना है। सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्टेड है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप कर लेना है। सिलेक्ट, यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे हमें इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। लीगल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। सेटअप यूजिंग अनदर डिवाइस, यानी कि एंड्रॉयड आईफोन और आईपैड वगैरह, तो हमें फ़िलहाल कुछ भी सेटअप नहीं करना है। स्किप का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे आपको क्लिक स्किप कर लेना है। कनेक्ट टू वाईफाई, आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी सेटअप नहीं करना है, स्किप कर लेना है। और गूगल सर्विस, यहाँ पे यूज़ लोकेशन चाहो तो इनेबल कर सकते हो या तो डिसेबल भी कर सकते हो। और सेंड यूजेज डेटा, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। इंस्टॉल अपडेट ऐप, फिर यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिसेबल करने के बाद एक्सेप्ट करना है। आप चाहो तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के इनेबल भी रख सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अनलॉक मेथड, यानी कि ये फ़िलहाल आपको स्किप करना है, बाद में हम ये सब कर लेंगे, यहाँ पे स्किप कर लेना है। Getting your phone ready, recommended auto overnight update, इसको डिसेबल कर लेना है। ग्लोबल सर्च, इसको डिसेबल कर लेना है। लॉक स्क्रीन मैग्निशन, ऐसा कुछ लिखा है, माई इंग्लिश इज़ वेरी पुअर सो डोंट माइंड। और यहाँ पे क्विक कनेक्ट, इसको भी डिसेबल कर लेना है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको जो डिसेबल कर लेनी है, अगर आपको काम की है तो रख सकते हो, अदरवाइज डिसेबल करके नेक्स्ट पे टैप कर लेना है।
ऐप मार्केट, कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करनी, आपको खुद इंस्टॉल प्ले स्टोर में जाके ही करनी है। यहाँ पे आपको स्किप कर लेना है। स्क्रीन डिस्प्ले आप चाहो तो मीडियम रख सकते हो या तो डिफ़ॉल्ट लार्ज वगैरह, चॉइस इज योर्स। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। यहाँ पे आपका जो भी नीड है, गेस्टर चाहिए तो भी, बटन चाहिए तो भी, डन पे टैप कर लेना है। कलर ओएस लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ रहना चाहिए। यहाँ तक आपको ये प्रोसेस करनी है। अगर यहाँ तक आपका प्रोसेस नहीं हुआ है तो वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर से देखिए। जैसे ही गाइस यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो फाइनली हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे आप कंपनी में से ब्रांड न्यू फ़ोन परचेस करते हो और जितने ऐप्स वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल रहती है उतनी ही ऐप्स इंस्टॉल रहेगी। इवन यहाँ पे आपके सारे बैंक अकाउंट, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह हुए वो भी डिलीट हो चुके हैं। आप गैलरी में जाके फोटोज़ वगैरह चेक करते हो तो यहाँ पे ऑल डिलीट हो चुका है, यानी कि ऑल फॉर्मेट हो चुका है आपका फ़ोन। अभी चाहे भी कोई इसके अंदर डेटा रिकवर नहीं कर सकता है। तो आप इसको सेकंड हैंड में बेच रहे हो या अपने खुद के लिए भी फॉर्मेट कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से ओप्पो रेनो 12 प्रो फॉर्मेट होता है। तो एपी गाइस के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।